बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पहला रमज़ान है और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह ये फूल हरा भरा है और अपनी खुशबू बखेरा है, अल्लाह करे आपका रमज़ान भी ऐसे ही गुजरे और आपकी पूरी ज़िंदगी हंसते मुस्कराते गुजरे। और जिस तरह ये अपने प्लांट्स अपनी खुशबू बखेरे हैं, आप भी अपनी खुशबू इर्द गिर्द बखेरते रहें। जिस तरह हम अपने प्लांट्स की केयर करते हैं फिर वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, अगर हम केयर नहीं करते, ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो वो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते, ठीक है ना। इस तरह ही रोज़ा है, अगर हम सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे, जिस काम से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है वो करेंगे, तो फिर हमें रोज़े का वो असल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम भूखे प्यासे रहेंगे और काम वही करेंगे जैसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया, तो फिर हमारे भूखे प्यासे रहने का कोई मकसद नहीं है। फिर हम हमें सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो क्या फ़ायदा है ऐसे भूखे प्यासे रहने का, ठीक है ना। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला खुश हो, अल्लाह ताला ने जो हमें फरमाया है वो काम करना चाहिए, ठीक है ना। किसी अपने बहन भाई की इर्द गिर्द वालों की हेल्प कर दें थोड़ी बहुत जितनी आपसे हो सकती है, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे काम करें, रमज़ान पूरा अच्छे तरीके से करें। वैसे भी रमज़ान अगर ना भी, फिर भी आप अच्छे सबकी हेल्प करें, सबकी मदद करें, ठीक है ना। जैसे ये फूल है माशाल्लाह से देखें कितना खिला हुआ है, इस तरह ही आपकी ज़िंदगी भी माशाल्लाह खिली रहे, ठीक है ना। एक छोटी सी वीडियो के साथ इजाज़त चाहती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक।